आज हम वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई एक कविता सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ पढ़ेंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ, इसका अर्थ होता है स्वयं का गीत। कवि जो है अपने गीत के बारे में बताता है। कवि जो है वॉल्ट विटमैन, वह एक अमेरिकन पोएट, एसेइस्ट और जर्नलिस्ट है। और कवि का जन्म, वॉल्ट विटमैन का जन्म 1819 में हुई और इनकी डेथ जो है 1892 में हुई है। इसे याद करने का सबसे आसान तरीका ये है कि 1819 में 19 को अगर हम उल्टा करेंगे तो 1991 बनेगा और उसमें एक जोड़ना है तो 92 हो जाएगा, जो 1892 में उनकी डेथ हुई थी। ओके, तो ऐसे में याद कर सकते हैं। और यह जो है अमेरिका के बहुत ही फेमस पोएट हैं। ओके, शायद ही ऐसा अमेरिका ने फिर प्रोड्यूस किया हो। और ये एक इंडिविजुअलिस्टिक लिटरेरी फिगर हैं, व्यक्तिवाद को बढ़ावा देने वाले जो हैं। यह एक कवि हैं और इन्होंने जो है एक कारपेंटर की तरह काम करना शुरू किया, अपने 12 साल से पहले ही शुरू कर दिया। ये एक प्रिंटर भी रह चुके ओके, प्रिंटर जो प्रिंट करता है, प्रिंटिंग का भी इन्होंने काम किया। ये टीचर भी रह चुके, एडिटर और वॉलंटियर नर्स। वॉलंटियर का अर्थ होता है जो स्वयं अपनी इच्छा से किसी काम को करे। ओके, और नर्स सेवा करना, सिविल वार के दौरान जो है यह लोगों की सेवा करते थे अपनी इच्छा से। ओके, इनका एक कलेक्शन ऑफ पोएम है, लिव्स ऑफ ग्रास। ओके, यह पोएम काफ़ी फेमस पोएम है, फेमस कलेक्शन ऑफ पोएम है जो 1855 में पब्लिश हुई थी। और इन्होंने जो फर्स्ट पब्लिकेशन जो हुई, इनके खर्चे पे इन्होंने खुद से पब्लिश करवाया। ओके, और यह जो कलेक्शन है यह पूरा इसमें फ्री रिदम है, यानी लय जो है, जिसे पोइट्री में लय होता है। ओके, इसमें जो है वैसा लय देखने को नहीं मिलेगा। और ये इसमें वो राइमिंग भी नहीं है, क्योंकि इसमें कोई लाइन्स, राइमिंग उसको कहते हैं जब तुकबंदी मिल जाती हो, यानी एक लाइन का आखिर जो है दूसरे लाइन के आखिर से मिले या तीसरे या चौथे से मिले, लेकिन यहाँ पे वैसी चीज़ जो है देखने को नहीं मिलती है। तो यहाँ पे रिदम भी नहीं है, लय भी नहीं है, तुक भी नहीं है। ओके, और इरेगुलर लाइन्स है, कोई लाइन बहुत बड़ी है, कोई लाइन छोटी है। ओके, और यह जो वर्क है लिव्स ऑफ ग्रास, 1881 में एक पब्लिशर जो है तैयार हुआ कि मैं इसमें बिना किसी काट छांट के मैं इसे पब्लिश करूंगा, क्योंकि ये पूरा जो कलेक्शन है इसमें ऑब्सेनिटी भी है, अश्लीलता भी है, जिसकी वजह से हमेशा इसे सेंसर करने की बात जो है पब्लिशर करते थे कि इसमें ये चेंजेस होंगे। लेकिन वॉल्ट विटमैन तैयार नहीं थे, लेकिन 1881 में एक पब्लिशर तैयार हुआ कि मैं इसे प्रिंट करूंगा बिना किसी काट छांट के। ओके, और जब यह प्रिंट हुई, इसके जो ट्रांसलेशन है वो यूरोप में काफ़ी फेमस हुए, लेकिन इस वक्त भी अमेरिका में जो है उन्हें कोई भी प्रसिद्धि नहीं मिली, कोई भी ख्याति नहीं मिली। वह सिर्फ अपने, जब उनकी मृत्यु हो गई तो अपने मृत्यु के बाद अमेरिका में जो है उन्हें याद किया जाने लगा, उनके वर्क को है जो जगह मिली। और उनके जो इम्पोर्टेंट वर्क हैं उसमें लिव्स ऑफ ग्रास जो 1855 में पब्लिश हुई, और ड्रम टैप्स जो 1866 में, ये ड्रम टैप्स पब्लिश हुई। ओके, इन्हें अमेरिका का प्राइड भी कहा जाता है, अमेरिका का गौरव, अमेरिका का शान इन्हें कहा जाता है। ओके, और इनकी एक और बहुत फेमस पोएम है जिसमें वो अमेरिका के बारे में कहते हैं, आई हियर अमेरिका सिंगिंग। ओके, और ये जर्नलिस्ट, एसेइस्ट, पोएट, इनके अंदर काफ़ी क्वालिटी थी। सॉन्ग ऑफ माइसेल्फ जो है वॉल्ट विटमैन के द्वारा लिखी गई है और यह लिव्स ऑफ ग्रास से लिया गया है। लिव्स ऑफ ग्रास में पूरे 52 सेक्शंस हैं या 52 ग्रुप्स ऑफ लाइन्स हैं, उनमें से जो है यह एक सेक्शन है। ओके, यह 13 लाइन की पोएम है और यह जो है इसमें फ्री रिदम है और राइमिंग भी इसके अंदर जो है नहीं है, और लाइन्स जो हैं वो कुछ इरेगुलर लाइन्स हैं। ओके, और यह पूरी जो कलेक्शन ऑफ पोएम्स है लिव्स ऑफ ग्रास, ये इसमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी हैं, ये ऑटोबायोग्राफिकल पोएम भी है, और उसके साथ साथ इसमें अमेरिकन डेमोक्रेसी की भी बात की गई है, तो सॉन्ग ऑफ अमेरिकन डेमोक्रेसी भी है। ओके, पोएम जो है
जैसे पोएम का जो पहला लाइन जो है, आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ। आई कवि कहता है कि मैं खुशियां मनाता हूं और मैं खुशियां मनाता हूं माई सेल्फ, मैं खुद खुशियां मनाता हूं, एंड सिंग माई सेल्फ और मैं खुद ही गाता हूं। कवि अपने आप में खुद मग्न है। एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, और जो मैं सोचता हूं वह तुम भी सोचते हो। फॉर एवरी एटम बिलोंगिंग टू मी एज गुड बिलोंग्स टू यू। जिस चीज से मैं बना हूं, जिस कण से मैं बना हूं, जिस धूल कण से मैं बना हूं, उससे तुम भी बने हो। ओके, यहां पे ये जो कविता शुरू होती है, ये जो पोएम शुरू होती है, ये अचानक जो है कवि के बीच की जिंदगी से शुरू होती है, क्योंकि कवि उस वक्त यूथ रहता है। 37 इयर्स जो है आगे रेफरेंस हमें मिलेगा, तो ये बीच से शुरू होती है। ओके, और यहाँ पे आई सेलिब्रेट माई सेल्फ एंड सिंग माई सेल्फ एंड वॉट आई एज्यूम यू शैल एज्यूम, जिसे मैं सच मानता हूँ उसे तुम भी सच मानते हो। ओके, या मैं जिसे सच मानता हूं तुम भी उसे सच मानोगे। और ये क्यों मानोगे? क्योंकि तुम भी उसी चीज से बने हो जिस चीज से मैं बना हूं। यहां कवि जो है तीसरे लाइन में, फॉर एवरी एटम, कवि यूनिवर्सलिटी की बात करता है, पूरे यूनिवर्सल लोगों की बात करता है, ब्रदरहुड की बात करता है, यूनिटी की बात करता है। क्योंकि कवि जब ये शुरू होता है पोएम, इन तीन लाइन में जो है हम यह देखते हैं कि आई माई सेल्फ मी, ये वर्ड्स जो है बताता है कवि इगोसेंट्रिक है, कवि खुद के बारे में, खुद ही सेंटर्ड है, क्योंकि खुद खुशियां मनाता है और खुद ही गाता है, तो खुद अपने में ही कवि जो है मग्न रहता है। इगोसेंट्रिक इंडिविजुअल जो है कवि की अपनी अपनी तक ही सोच है। लेकिन जो तीसरा लाइन है वो यह बताता है कि जैसा मैं करता हूं, जैसा मैं सोचता हूं, वैसा तुम भी सोचते हो, क्योंकि हम जो है एक ही कण से बने हुए, एक ही एटम से बने हुए हैं। तो यहाँ यूनिटी की बात करता है, क्योंकि मैं जिस मिट्टी से बना हूं तुम भी इस मिट्टी से बने हो। ये क्रिश्चियन फिलोसफी नहीं, ये क्रिश्चियन रिलीजन की अगर बात की जाए तो मिट्टी से बने हैं, धून से, कर्ण से बने हैं इंसान। ओके, तो मैं जिस मिट्टी से बना हूं तुम भी उस मिट्टी से बने हो। तो यहाँ ये पता चलता है ब्रदरहुड की बात हो रही है, कि मैं और तुम, हम सब जो है यूनिवर्सल ब्रदरहुड है, और यह यूनिटी की बात की जा रही है यहां पर। ओके, आई लोफ, लोफ का अर्थ होता है वांडर, भटकना, एमलेसली, बिना किसी एम के भटकना। आई वांडर एंड इनवाइट माय सोल, मैं भटकता हूं और अपने आत्मा को जो है बुलाता हूं, या मैं आत्मा को जो है निमंत्रण देता हूं। आई लीन, मैं आराम करता हूं, लीन का अर्थ झुकना होता है, लेकिन यहां लीन का अर्थ आराम करना। आई लीन, मैं आराम करता हूं, एंड लोफ एट माई एज, मैं अपने हिसाब से भटकता भी हूं, मैं अपने सहूलियत के हिसाब से आराम भी करता हूं। ऑब्जर्विंग अ स्पियर ऑफ समर ग्रास, स्पियर भाला को कहते हैं जिसमें नोक होता है, काफी नुकीला होता है, और यहाँ पे ग्रास जो है घास, घास के ऊपर का जो हिस्सा है जो पॉइंटेड होता है, नुकीला होता है, यहाँ पे उसकी बात की जा रही है। अ स्पियर, वह नुकीला हिस्सा घास का जो गर्मी के अंदर कभी उस छोटे से चीज को देख रहा है गर्मी के अंदर। ओके, यानी कवि बताना चाहता है कि मैं नेचर में इतना खो चुका हूं कि वो छोटी से छोटी चीज जो नेचर से रिलेटेड है वो मुझे दिख रही है। और यहाँ पे ग्रास जो है यह सिंबल है, और ग्रास जो यहाँ पे जो सिंबल है वो यह बताता है कि नेचर को बताता है ग्रास, और ग्रास कितना छोटी छोटी सी चीज है, ये कितना छोटा सिंबल है, पॉइंटेड जो उसका पार्ट्स है ग्रास का, उसके बारे में कभी उसको देख रहा है, क्योंकि कभी नेचर के अंदर इतना लीन हो जाता है। माय टंग, एवरी एटम ऑफ माय ब्लड, मेरी जुबान, एवरी एटम ऑफ माय ब्लड, मेरे खून का एक एक कतरा, फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सोयल दिस एयर, फॉर्म्ड
यहाँ एम के ऊपर आप देखेंगे एक एपोस्ट्रॉफ लगा है, उसे कंट्रैक्शन कहते हैं, ये शॉर्ट शॉर्टेन करता है किसी भी, तो यहाँ पे फॉर्म्ड ई वहाँ पे लगा हुआ है, फॉर्म्ड फ्रॉम दिस सॉयल दिस ईयर। यहाँ पे दिस सॉयल और दिस ईयर कवि जो है अमेरिका को रिप्रेजेंट कर रहा है, ओके और कवि यह कहता है कि मेरी जो जुबान है और मेरे खून का जो कतरा है वह सब जो है इस मिट्टी से बने हैं, इस हवा से बने हुए हैं। यहाँ पे एक चीज़ और आप गौर करें, पहले वाले लाइन में कवि क्या कहता है कि अ स्पीयर ऑफ समर ग्रास, घास के बारे में, और घास किस चीज़ में उगती है, सॉयल में, मिट्टी में, नेचर, घास से नेचर को रिप्रेजेंट कर रहा है नेचर। और अगले लाइन में कहता है कि इस मिट्टी से मैं बना हूँ, अमेरिका की मिट्टी से, अमेरिका की हवा से, यहाँ भी मिट्टी वहां भी मिट्टी, यानी नेचर से खुद को मिलाता है, नेचर के एलिमेंट से, नेचर का पार्ट जो है वह कवि भी है, वह ये बताता है कि मैं भी इसी मिट्टी से बना हूँ, ओके, जिस मिट्टी पे घास उगती है, घास का कनेक्शन मिट्टी से, मेरा कनेक्शन मिट्टी से, और ये सारी चीजें जो है नेचर की चीजें हैं, ओके। बोर्न हियर ऑफ पेरेंट्स, मेरे माता पिता जो है जो यहाँ जन्मे, बोर्न हियर फ्रॉम पेरेंट्स द सेम एंड देयर पेरेंट्स द सेम, यानी मेरे माता पिता और उनके माता पिता और फिर उनके माता पिता, यानी मेरे माता पिता, मेरे दादा दादी और मेरे परदादा परदादी, जो सारे जो हैं यहीं पे जन्मे, इसी मिट्टी में, अमेरिका की मिट्टी में, और इसी हवा में जन्मे, और मैं भी जो है इसी हवा में जन्मा हूँ, यहाँ अमेरिका के बारे में जो है वह बता रहे हैं। I now 37 years old. अब जो मैं हूँ वो 37 साल का हूँ. In perfect health begin. और जो मेरी health है वो काफ़ी अच्छी health है. मैं एक अच्छे health की शुरुआत में हूँ. Hoping to cease, not till death. और मैं आशा करता हूँ कि मरते वक्त तक भी मैं ऐसा ही रहूँगा और अपने काम को करता रहूँगा. ओके, क्योंकि कवि जो है काफी उत्साहित है, कवि अपने में काफी खुश है, चाहे कैसा भी वक्त हो, अच्छा वक्त हो या बुरा वक्त हो, सब कवि जो है खुश है, और नेचर को यहाँ पे जो कवि है वो प्रमोट कर रहा है कि नेचर के अंदर जो है उसे खुशी मिल रही है। ओके, इस कविता की अगर थीम की बात की जाए तो इस कविता में वैसे तीन थीम को लेकर चला जा सकता है मेनली। पहला जो है कवि खुद के बारे में, माई सेल्फ, दूसरा अपने से दूसरे को कनेक्ट करता है, माई सेल्फ से आवर सेल्फ को कनेक्ट कर रहा है कि मैं भी उसी मिट्टी से बना हूँ जिससे तुम बने हो, यानी यूनिवर्सल ब्रदरहुड की बात। तीसरा कवि जो है खुद से नेचर के एलिमेंट से खुद को जोड़ रहा है, हवा से खुद को जोड़ रहा है, मिट्टी से खुद को जोड़ रहा है, और ऐसे करते हुए घास से जोड़ रहा है, यानी नेचर को जो है वह जोड़ रहा है, ओके, नेचर का आनंद ले रहा है। क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एबेंस, क्रीड्स धार्मिक जो मान्यताएं हैं, स्कूल्स जो डिफरेंट थॉट्स हैं, ओके, सिस्टम ऑफ थॉट्स हैं, तरह तरह के धार्मिक मान्यताएं, परंपराएं, धार्मिक जो नीति, ये सारी जो चीजें हैं, क्रीड्स एंड स्कूल्स, स्कूल्स का अर्थ यहाँ पे आप और आसानी से समझ सकते हैं, एक स्कूल के लोग ये हो गए, यानी एक धर्म के लोग ये हो गए, एक सोच के लोग ये हो गए, एक धर्म के अंदर भी एक सोच के लोग ये हो गए, तो स्कूल का यहाँ पे अर्थ हुआ, और क्रीड धार्मिक मान्यताएं, धार्मिक परंपराएं। तो क्रीड्स एंड स्कूल्स इन एबेंस, उसको थोड़ी देर के लिए सस्पेंड कर दिया जाए, भुला दिया जाए, टेम्प्रोरी बेसिस पे जो है उसको भुला दिया जाए, रिटायरिंग बैक अ वाइल्ड सफाइस्ड, और कुछ समय के लिए जो है उन चीजों को भुला कर रिटायर होकर आया जाए, सफाइस्ड एट व्हाट दे आर, यह काफी है, बहुत है, बट नेवर फॉरगेटिंग, इनको भुलाना काफी मुश्किल है, लेकिन कभी यहां कहता है इन सारी चीजों को भुलाकर कुछ देर के लिए भी अगर आते हैं तो यह काफी है, एक जो है आपका इंटरप्रिटेशन यहां पे यह निकल जाए। दूसरा इसका इंटरप्रिटेशन ये निकलता है कि कवि जो है
इन चीजों को भुला देना चाहता है, लेकिन इन्हें भुलाना काफी मुश्किल है क्योंकि ये काफी है, बहुत है, इनको भुलाना जो है बहुत टफ है। रियली इट्स वेरी टफ टू फॉरगेट ऑल ऑफ देम बिकॉज दे आर इन अबंडेंट। ओके, आई हार्वर फॉर गुड और बैड, मैं यकीन करता हूं अच्छे और बुरे में। यहां पर कवि जो है यह कहता है कि अच्छा भी है बुरा भी है, मेरा भरोसा दोनों में है क्योंकि कोई परफेक्ट नहीं है, अच्छाई भी है बुराई भी है, मैं अच्छाई में भी यकीन रख रहा हूँ बुराई में भी यकीन रखता हूँ। आई परमिट टू स्पीक एट एवरी हेजर्ड, मैं हर अवस्था में खुद को बोलने का जो है साहस करता हूँ या खतरा ले लेता हूँ, खतरा मोल लेता हूँ। मैं बोलता हूँ जो सही है उसे मैं सही बोलता हूँ, जो गलत है उसे मैं गलत बोलता हूँ। ओके, नेचर विदाउट चेक विथ ओरिजिनल एनर्जी, जो मेरा नेचर है, प्रवृत्ति, जो मेरा टेंडेंसी है, चाहे वो मेरा फिजिकल नेचर है या मेरा स्पिरिचुअल आत्मा की बात है, मेरे अंदर की बात है, जिसे मैं अच्छा समझता हूँ उसे मैं अच्छा कहता हूँ, जिसे मैं बुरा समझता हूँ उसे मैं बुरा कहता हूँ, जो मेरी प्रवृत्ति है, ओके, उसे मैंने रोकता नहीं, उस पर मैं कोई कंट्रोल नहीं करता, चेक कंट्रोल नहीं करता, मैं उस पर रोकथाम नहीं करता। विथ ओरिजिनल एनर्जी, जो मेरी अपनी ओरिजिनल एनर्जी है, वास्तविक जो मेरी ऊर्जा है, मैं उसे बिल्कुल नहीं रोकता हूँ। ओके, मैं उसे नहीं रोकता हूँ और मैं अच्छे को अच्छा कहता हूँ, बुरे को बुरा कहता हूँ, चाहे कितना भी खतरा हो, मैं खतरे को मोल लेता हूँ। यहाँ पे एक दूसरा इंटरप्रिटेशन यह निकलता है कि इन सारी मान्यताओं को अगर भुला दिया जाए, धार्मिक मान्यताओं को, ओके, धार्मिक परंपरा को अगर भुला दिया जाए, तो नेचर का आनंद जो है, सारे बंधन को हटाकर, बंधन रहित होकर नेचर का आनंद पूरे ओरिजिनल वास्तविक ऊर्जा के साथ लिया जा सकता है, या इसके अंदर जो है वास्तविक ऊर्जा है नेचर के अंदर। ओके, क्योंकि जो ये क्रीट्स और स्कूल्स हैं, क्रीट्स और स्कूल्स, धार्मिक मान्यताएं और परंपराएं, ये इंसान के दिमाग को बांध देती हैं, इंसान की सोच को रोक देती हैं। ओके, इंसान जो है इंसान की सोच को वैसा ही बना देती हैं जैसा उसमें इंस्ट्रक्शंस होते हैं। ओके, और इंसान की प्रवृत्ति बिल्कुल वैसे हो जाती है और इंसान वैसे दृष्टि से देखने लगता है। तो यहाँ कवि यह कहता है लास्ट लाइन में, जो तुम जिसको सच मानो, जिसको तुम झूठ मानो, अपने एक्सपीरियंस पे, क्योंकि तुम्हारा जो एक्सपीरियंस है, जो हमारा एक्सपीरियंस है, जो मेरा एक्सपीरियंस है, वो सच्चा एक्सपीरियंस है, उस एक्सपीरियंस के आधार पे मैं किसी चीज़ को अच्छा और बुरा जो है वह समझूंगा। तो यह पोएम जो है वैसे काफ़ी इंटरेस्टिंग है। इस पोएम का जब भी आप समरी लिखें, तो समरी लिखने में सबसे पहले जो है आप ऑथर के डिटेल्स को दें, फिर उसके बाद आप ये लिख सकते हैं कि इट इज़ टेकन फ्रॉम लीव्स ऑफ ग्रास, और इसमें 52 सेक्शंस हैं उसको बताया जा सकता है। इसके अलावा सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ जो है, यह एक इसमें ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स भी है, और इसमें कवि जो है सिर्फ ऑटोबायोग्राफिकल एलिमेंट्स ही नहीं है, कवि खुद में खुश है, सेल्फ के बारे में बताता है, लेकिन ब्रदरहुड की बात करता है और धार्मिक मान्यताओं को छोड़ देना चाहता है। वैसे आपकी हर लाइन अगर आपके दिमाग में होगी तो आपकी समरी जो है वह काफ़ी अच्छी होगी, क्योंकि इसमें समरी लिखना डैट्स नॉट वेरी टफ एंड इट्स रियली वेरी ईजी टू राइट द समरी ऑफ एनी पोएम, क्योंकि पोएम जो होता है बहुत आसान और बहुत इंटरेस्टिंग होता है, इससे आप आसानी से जो है इसकी समरी लिख सकते हैं। ओके, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको काफ़ी अच्छी लगी होगी। ओके, और नेक्स्ट जो है वीडियो नाउ द लिव्स आर फॉलिंग फास्ट, मैं बहुत जल्द लेकर आऊँगा। अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ओके, और अपने दोस्तों को भी बताएं कि वो भी लाइक और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।